भागलपुर हिंसा को लेकर विपक्ष जितना हमलावर बीजेपी पर नहीं है उससे कहीं ज्यादा नीतीश पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरजेडी ने सोशल मीडिया से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जहां सोशल मीडिया पर तेजस्वी बरस रहे हैं तो वहीं सदन में विधायकों के हंगामे का शोर है। सुशासन बाबू के राज पे जब उन्हीं के साथ ही प्रदेश को हिंसा के आग में झोंकेंगे और इस पर नीतीश कुछ नहीं बोलेंगे तो चुप्पी पर तो सवाल उठेंगे ही, और यही सवाल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। नेता विपक्ष ने भागलपुर मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब कहां गया सुशासन राज, दंगई दोस्तों के साथ क्यों है नीतीश कुमार। ट्वीट कर तेजस्वी ने लिखा कि यह लड़का लगातार नीतीश कुमार को चुनौती दे रहा है, वह नीतीश कुमार का मजाक बना रहा है। मिस्टर सीएम की धरती पर कानून व्यवस्था कहां है, इतने कायर मत होइए। वह दंगा भड़काने के मामले में वांटेड है, यह नीतीश सरकार के लिए शर्मनाक है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने गिरफ्तारी वारंट को दिखावा भी करार दिया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने नीतीश को पाखंडी बताते हुए कहा कि बिहार के ढोंगे और पाखंडी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के दंगाई सुपुत्र पर दिखावटी अरेस्ट वारंट निकाल रखा है, लेकिन वह पटना में सीएम आवास के बगल में ही बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में तलवारथा में फेसबुक लाइव कर रहा है। भागलपुर हिंसा को लेकर जहां सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने नीतीश को निशाने पर लिया तो वहीं आरजेडी के विधायकों ने सदन में भी हल्ला बोला। विधायकों ने नीतीश के खिलाफ नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग की है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।